मैं अगले क्रम में माननीय श्री सत्येंद्र नारायण सिंह शिवानी उर्फ कवि जी को चाहूंगा कि युवा में और अपनी बातों को विस्तृत रूप में यहाँ रख करके बच्चों को और यहाँ जो उपस्थित अभिभावक हैं उनको लाभान्वित करें। सबसे पहले आप सभी हमारे गांव के रहने वाले जितने भी लोग उपस्थित हैं या जो लोग उपस्थित नहीं हो सके हैं, हम अपने मंच की ओर से उन सब का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। यह कार्यक्रम माँ सरस्वती के अध्यक्षता में चलता है। उनके आदर्शों का अनुकरण करना ही माँ सरस्वती का आदेश है और उनके आदेश पर हम लोग जो है सब इस कार्यक्रम का संचालन करते हैं। इसके पहले मैं आप सबों से अपने सम्मानित मंच से निवेदन करूंगा कि आज हमारा गांव दुख की घड़ी से गुजर रहा है। सबसे पहले आप लोगों से भी मंच से भी कहूंगा कि जो लोग हमारे बीच से चले गए हैं, बड़ा ही दुख है, सारे लोग मर्माहत हैं, उनके लिए हम लोग कम से कम 2 मिनट ईश्वर से प्रार्थना कर लें कि हे ईश्वर आप उनके आत्मा को शांति दें। निर्धारित समय का समय मिल रहा हूँ। दो मिनट के लिए अभी आपको बोले हैं माननीय श्री कवि जी, तो आप सभी से आग्रह है कि आप लोग बैठे हुए भी इस श्रद्धांजलि में सम्मिलित हो सकते हैं और जो लोग यहाँ मंच से खड़े खड़े वो लोग तो टाइम स्टार्ट होता है, उसके बाद मैं पुनः बताऊंगा कि टाइम समाप्त हो गया। प्रार्थना करता हूँ कि वे इनको आत्मा को शांति दें। और दूसरी बात कि जो हमारे सदस्य युवा विकास क्लब के यहाँ उपस्थित बने और जो पूर्व के अध्यक्ष हैं, इसके बाद मैं उनका भी अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जैसे बलराम प्रजापति हैं, गणेश प्रजापति हैं, प्रेमचंद प्रजापति हैं, इंद्रासन प्रजापति हैं, ये लोग हमारे पूर्व के सहयोगी रहे हैं। इस मंच को सजाने में संवारने में उनकी अहम भूमिका रही है और आज भी हमारे हैं और इस मंच पर आज तक किसी को रोका भी नहीं गया है। जिनकी इच्छा होगी अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं यहाँ नहीं। एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ जो प्रत्येक वर्ष कहता हूँ आपसे, जैसा कि शैलेश प्रजापति ने कहा आपकी भाईचारा और शिक्षा के संबंध में, तो जब तक भाईचारा नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, आपसी सामंजस्य नहीं होगा, तब तक हम लोग सम्मान किसी का सम्मान करना या यह समझना कि कौन उससे बड़ा है कौन उससे छोटा है, इसको हम अपने अंदर जो है प्रवेश नहीं करा सकते हैं। तो इस संदर्भ में हम हमेशा यह कहते हैं कि यदि आपस में किसी के साथ कोई द्वंद होता है, कोई झगड़ा लड़ाई हो जाता है न बच्चों के बीच में, तो कम से कम हर अभिभावक इतना अवश्य विचार कर लें कि किसी के साथ कुछ कहने सुनने के पहले हम अपने बच्चे के विषय में सोच लें, समझ लें, विचार कर लें, तब किसी के साथ जितना हो सके जुड़ने और जोड़ने का प्रयास कीजिए। यही हमारा निवेदन है कि जिस तरह से जुड़ सके, जो हम थे आज भी बरकरार हैं, हमें तो उम्मीद है कि हम हैं और भविष्य में भी हम रहेंगे। एक और बात है कि जिस उद्देश्य से कार्यक्रम चलता है, अथक परिश्रम हमारे बच्चे करते हैं, तो मंच के माध्यम से यह कह देना चाहते हैं कि जो उत्साह, जो उमंग और जिस तालीनता के साथ इस कार्यक्रम को आप करते हैं, आप अपने दैनिक कार्यक्रम में भी यही उत्साह, उमंग और तालीनता रखें। यही हमारा मंच की ओर से या हमारे सभी सदस्यों की ओर से आप लोगों को सुझाव दिया जाएगा कि आप अपने दैनिक कार्यक्रम को भी इसी तरह से इसी उत्साह के साथ बरकरार रखें। यह हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके अंदर धैर्य है, इनका उत्साह वर्धन आप करते हैं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। हर हमेशा उत्साह वर्धन करते आए हैं, उत्साह वर्धन करते रहेंगे, यह हमें उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ निवेदन के सिवाय कि कुशलता के साथ इस कार्यक्रम को आप लोग सफल बनाइए।
इसलिए कि बच्चे काफी परिश्रम करके इस कार्यक्रम को करते हैं। यदि हम सफल हो जाते हैं और भविष्य में अपने आप को उतारने का प्रयास ये लड़के कर लेंगे अपने दैनिक कार्यक्रम में, तो समझ लीजिए कि हम सफल हो गए। एक बात और आपसे कह देना चाहता हूँ पढ़े लिखे युवाओं से, पढ़े लिखे युवतियों से, कि जैसा कि आपने देखा कि पिछली बार जो महीने के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री जी रेडियो पर मन की बात बोलते हैं, पुनः प्रार्थना करते हुए हमारे कलाकार जो भी हमारे कार्यकाल सदस्य हैं पुनः यही मन करता है कि जैसे हम भाईचारा बनाने जोड़े और आपस में मिलजुल करके रहें, यही समाज बनाना मिलना है। हेलो हेलो, अभी आप लोगों ने देखा बहुत सुंदर दृश्य और उदाहरण का कार्यक्रम अभी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया और सारे लोग मंच से अपनी अपनी जगह पर चले जाएंगे। और आप सभी ग्रामीण बंधुओं से आग्रह है कि आप लोगों के अगल बगल में बच्चे बैठे हुए हैं और वो बच्चे बहुत ही हल्ला कर रहे हैं और ये व्यवस्था आपकी है, आपको देखना है। तो जो लोग भी अपने आस पड़ोस को देख रहे हैं बच्चों को हला करते, कृपया उनको शांति बनाए और उनसे आग्रह करें कि वो शांति बना करके नाटक का आनंद ले। और ये उपस्थिति आप सबों की उपस्थिति भी दर्शाती है कि आप लोगों ने कितना स्नेह प्रेम ये स्टेज दे चुका है आज 40 वर्षों के अंतराल में, कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होकर के और अपने बच्चों द्वारा निर्मित नाटक का आनंद लेते हैं। तो अभी आप लोगों के सामने एक रंगारंग कार्यक्रम पहले प्रस्तुत किया जा रहा है, इसका आप लोग आनंद लें। उसके बाद नाटक का प्रथम दिन सजाया जाएगा और पुनः आप लोगों को बताया जाएगा कि उसके बाद क्या होगा। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ हर साल के भाग इस साल भी जुल्याम हम लोगों के बीच आता है, जो बाहरी चंदा आता है। मैं एक बार पुनः फिर से आप सबों के बीच रख देना चाहता हूँ, बाहरी चंदा जो आता है गोविंद गुप्ता जो कि 1001 रुपए दिए हैं, अमित शर्मा जो कि 500 दिए हैं, बिक्के सिंह 500, राजन यादव 500, दीपू सिंह 250, पंकज सिंह 250, श्री छोटेलाल यादव 1001, भोलू प्रजापति 1001, तेज बहादुर यादव 500, गोलू कानो 501। उनके बाद को अमल किया था आप के पड़ोसी पहलिया गांव की एक लड़की जिसका नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेडियो से बोला था और कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी का घोषणा था कि जितने भी युवा वर्ग हैं वो अगल बगल के जो भी पर्यटक स्थल हैं उसके विषय में अध्ययन करें और अध्ययन करके हमारे पास वीडियो बना करके या हमको ट्वीट करें किस तरह की भावना वो रखते हैं, तो वह उत्साह हमारे अंदर भी हो। यही हम आप सबका निवेदन आप लोगों से करना चाहते हैं कि अपने अपने बच्चों को बढ़िया गाइडलाइन दीजिए, बढ़िया बात बताइए, तोड़ने वाली बात नहीं जोड़ने वाली बात, जिससे परिवार जुड़ सके, गांव जुड़ सके, समाज जुड़ सके, तो गांव परिवार और घर जब जुड़ जाएगा तो आप समझ लीजिए कि देश भी जुड़ जाएगा। इसलिए संकल्पित होकर इस कार्यक्रम को हम जब करेंगे तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बंदरा हम लोग कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए। करत बानी आरती गौ
की मां सरस्वती की